नमस्कार दोस्तों, ये 47 इयर्स एज की महिला का हाथ है और इन्होंने पीएचडी की हुई है। देखते हैं इनके हाथ में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले नज़र जाती है यहाँ पर, एवरेज से थोड़ा सा बड़ा ये पार्ट है। तो व्यक्ति के जीवन में जब एवरेज से बड़ा पार्ट होता है तो उसके जीवन में मनी वाइज प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा, इनकी उंगलियाँ देखिए काफ़ी बड़ी है और फर्स्ट फैलेंज बहुत बड़े होने के कारण उंगलियों के व्यक्ति एनालिटिक पर्सनालिटी होती है और यही खासियतों के कारण व्यक्ति इतनी अच्छी डिग्रियों पर कब्जा करता है। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट फैलेंज अंगूठे का काफ़ी बड़ा अंगूठा है और फर्स्ट फैलेंज बड़ा है तो व्यक्ति जिद्दी भी होता है अपने कार्य के प्रति और उसे कंप्लीट करता है। और इनका सेकेंड फैलेंज थोड़ा सा एवरेज से कम है तो अपनी बात समझाने में इतने माहिर नहीं होंगे जितने एवरेज फैलेंज वाले लोग होते हैं। छोटी उंगली सूर्य पर्वत की उंगली की ओर तक पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, ये सारे गुण इनमें ज़्यादा होते हैं। और जिनका अंगूठा और ये उंगली बड़ी है तो व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा सफल रहता है। अब इनके बुध ग्रह की ओर चलते हैं। बुध ग्रह पर दो खड़ी लाइन है तो ये भी पर्वत को स्ट्रांग बना रही है। और यहाँ पर देखें बुध ग्रह को तो यहाँ से थोड़ा सा खड्डा है और प्लस ये पार्ट यहाँ से उभरा है। तो ऐसे लोग पैसा कमाने में नाम के लिए ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इनकी सोच वो रहती है। और पर बुध पर्वत थोड़ा सा दबा होने के कारण व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाता। बाहर निकलेगा मीटिंग से या परिवार के अंदर भी बैठे होंगे, उसके बाद याद आएगा, अरे मुझे ये चीज़ कहनी थी, ये मैं कह नहीं पाया। तो इस तरह का बुध पर्वत के कारण व्यक्ति को फल मिलता है। और इसका उपाय है, मैं इनको हंसते हंसते दे दूंगा व्हाट्सएप पर। अब इनके सूर्य पर्वत पर बहुत सारे खेल है जो देखने लायक है। एक तो मल्टीपल प्रॉपर्टी की ये लाइन, ये व्यक्ति को अच्छी खासी प्रॉपर्टी दिलाता है। ये स्क्वायर, ये साइन में ये पावर है, व्यक्ति को पुश्तैनी भी मिलती है और व्यक्ति अपनी खुद की भी बनाता है, मल्टीपल प्रॉपर्टियाँ बनाता है। दूसरी एक और खासियत है इनके पाम पर, ये यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है तो ये भी ट्रायंगल काफ़ी खेल करता है जीवन में, अच्छी खासी व्यक्ति के जीवन में धन देता है। प्लस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति अमीर होते जाता है। और यहाँ पर स्क्वायर भी है तो ये इतने बड़े स्क्वायर व्यक्ति का विदेश से भी संबंध क्रिएट करते हैं। और इनका विदेश से संबंध 100% आज नहीं तो कल आने ही वाला है, क्योंकि इनकी जो फेट लाइन है उसका भी झुकाव सूर्य पर्वत की ओर है। तो ये दोनों खासियतें व्यक्ति को काफ़ी, यानी विदेश से संबंध 100% लाएंगे, क्योंकि ये मल्टी सिटी का कार्य फैला हुआ होता है ऐसे लोगों का। पर इनका वर्तमान समय में वो फल इनको नहीं मिल रहा है, ये केवल गवर्नमेंट जॉब के अंदर है। पर ये आज नहीं तो कल इस साइनों के बलदौलत ये इंटरनेशनल लेवल से मनी इनके पास आने वाली है। स्क्वायर होने के कारण व्यक्ति अपनी आय से अच्छी तरह रहता है। अब चलते इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत काफी अच्छा है, बहुत कुछ है यहाँ पर, फ्लैट है रोड की तरह तो सबसे अच्छा माना जाता है इस तरह का शनि पर्वत। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें चल रही है, ये मनी रिसीविंग एंटेना का काम करती है, प्लस मल्टीपल इनकम की ओर इशारा भी करती है। तो ये जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी इनके पास अच्छी खासी इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे। ये जितनी भी छोटी छोटी लाइनें यहाँ पर चल रही है ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा कर रही है। ये फेट लाइन का जब डिस्कशन करेंगे तब इस पर आएंगे। और ये जो लाइन है कंफर्टेबल लाइन है एंड तक,
ऐसे लोगों के पास बुढ़ापे में अच्छा खासा धन संग्रह होता है और इनका धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में भी खर्च होता है। अब चलते हैं इनके गुरु पर्वत पर। गुरु पर्वत पर एक ही माइनस पॉइंट है, इलाका बहुत बड़ा लिया हुआ है गुरु पर्वत ने, पर यहां से थोड़ा सा उभार ज्यादा है। तो व्यक्ति का परिवार के साथ मतभेद बना रहता है। दूसरा, कभी कभी पति पत्नी के बीच में भी इस उभार के कारण मतभेद रहते हैं, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और यहाँ पर बहुत सारी मल्टीपल इनकम की रेखाएं हॉरिजॉन्टल चल रही है, तो ये भी मल्टीपल इनकम की ओर इशारा कर रही है। और यहाँ पर एक स्क्वायर भी बन रहा है जो मैंने, तो ये व्यक्ति को 32 साल के पहले खुद का घर या जमीन और बड़े घर में रहने का सौभाग्य, 36 साल के बाद अथॉरिटी पोजीशन, ये सारे गुण देता है। और बोलने के कार्य में एक्सपर्टी। अब चलते हैं इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल साफ सुथरा है तो शारीरिक ऊर्जा जो होगी वो मध्यम से ज़्यादा होगी इनके शरीर में, और बहुत कम लाइन है तो ज़्यादा चिंतित स्वभाव मुझे दिखता नहीं है इनका। इतनी लाइन है, भारतीय समाज में एक महिला के हाथ में कॉमन सी चीज़ है, परिवार का बोझा लेकर चलती है, तो ये लाइनें स्वाभाविक है, पर ज़्यादा लाइनें नहीं है कि चिंतित होने की आवश्यकता है। अब चलते हैं इनके भारी मंगल की ओर। भारी मंगल काफ़ी अच्छा है, एवरेज से थोड़ा उभरा हुआ है, तो किसी से तो ये मिलते होंगे काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पर, और किसी से सेफ्टी लेकर मिलते होंगे, पहले चेक करते होंगे सामने वाला व्यक्ति किस तरह का है। और इस तरह का भारी मंगल संकट के समय खुद के बलबूते पर उस संकट का सामना करने की हिम्मत देता है। अब इनका चंद्र पर्वत देखते हैं। चंद्र पर्वत काफ़ी क्लीन एंड नीट है और उस पर कोई ऐसी साइन नहीं है, कंप्लीट क्लीन है। तो बुद्धि कौशल अच्छा, रिफाइंड सोच, मन इनका काफ़ी शांत रहता है ऐसे लोगों का। और अच्छा चंद्र पर्वत हो तो ये भी विदेश से संबंध आपका क्रिएट करता है। और एक खासियत है इनके विदेश से संबंध आने की, इनकी जो जीवन रेखा है वो यहाँ से जॉइंट होकर ये बन रही है, तो जीवन रेखा का भी टचिंग चंद्र पर्वत से हो रहा है। तो ये भी एक निशानी है कि व्यक्ति चाहे तो ये फॉरेन सेटलमेंट भी इनका हो सकता है, और ये आज नहीं तो कल इनका फॉरेन सेटलमेंट होगा जरूर। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल देखते हैं। मनी ट्रायंगल भी काफ़ी बड़ा बना हुआ है, बहुत सारे पॉजिटिव साइन है इस हाथ पर। तो इतना बड़ा मनी ट्रायंगल व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा धन प्रदान करता है। अब चलते इनके शुक्र पर्वत पर। इतनी सारी पॉजिटिव साइन होकर भी व्यक्ति को अभी तक वो स्टैंडर्ड नहीं मिला है, वो लेवल नहीं मिला है, उसका कारण केवल यहाँ पर है। ये बहुत सारी लाइनें जब आपके शुक्र पर्वत पर होती है तो आपको बांध के रखती है, आपके पैर पकड़ के रखती है कि आगे बढ़ने नहीं देती, इस तरह की फीलिंग आती है व्यक्ति को ये इस लाइनों के कारण। नहीं तो इतनी अच्छी डिग्रियाँ, इतनी अच्छी साइनें, ये काफ़ी उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं ये व्यक्ति, पर इन लाइनों के कारण। इसका इजी इलाज है, मैं इनको दे दूंगा व्हाट्सएप पर। ये लाइनें जब कम हो जाएगी तो इनके जीवन में अच्छी खासा धन आने की शुरुआत होगी, प्लस इनको काफ़ी आगे बढ़ने मिलेगा, क्योंकि इनके पास रोड तैयार है, इनके पास कंप्लीट रोड तैयार है, खाली इनको पहल करने की जरूरत है, आवश्यकता है बस। और शुक्र पर्वत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, इलाका भी अच्छा मिला हुआ है, तो प्रॉस्पेरिटी और धन के मामले में ये शुक्र पर्वत इनको कोई प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। अब चलते हैं इनके हार्ट लाइन पर। हार्ट लाइन पर देखें तो एक रेखा हृदय रेखा के पार्ट में से इस तरह से निकल कर चल रही है, तो ये मन में गुस्सा देती है।
अगर गुस्सा व्यक्ति व्यक्त करता है तो सामाजिक ढांचे में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, और मन में रखता है तो उसका शरीर खराब होता है। और यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है, एक थोड़ी सी शुरुआत इस तरह से हो रही है और उसके बाद निकल रही है यहाँ से, शनि पर्वत से। तो इसका मतलब क्या, उम्र लगभग 36 के आसपास, उम्र 36 के आसपास इनके माइंड में एक बदलाव आया होगा और ये पैसे के प्रति ज़्यादा मोहित हुए होंगे। यानी इनके मन में 36 के बाद एक चेंज आया होगा कि सब कुछ पैसा ही ज़्यादा है, जीवन में पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है। और यहाँ से इनकी सोच चेंज हुई होगी और इस तरह से बढ़ रही है। ये रेखा व्यक्ति को कंटिन्यू पैसे के बारे में थिंक करवाती है, और जब व्यक्ति पैसे के बारे में थिंक करता है तो पैसा कमाने भी लगता है। तो ये भी एक सपोर्ट कर रही है पैसा कमाने में, ये रेखा भी। हाँ, कभी कभी ये लोग फिजिकल हो जाते हैं, उसको छोड़कर इस हार्ट लाइन पर मुझे कोई कमी लग नहीं रही है, काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है। अब चलते हैं इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन पर देखें तो जीवन रेखा से कंप्लीट शुरू होकर इस तरह से आगे बढ़ रही है। माइंड लाइन है छोटी, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कम बुद्धिशाली होता है, बुद्धिशाली अच्छा खासा होता है, केवल एक माइनस पॉइंट होता है। व्यक्ति एक सर्टन लेवल तक का दबाव सहन करता है, उसके बाद विस्फोटक हो जाता है, ये एक माइनस पॉइंट होता है। और माइंड लाइन अच्छी है, शुरुआत में अच्छा खासा दबाव दिख रहा है। तो जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या ज़्यादा जिसको सफलता पानी रहती है, वो इनके हाथ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर सूजन है। पर उसके बाद उम्र 36 के बाद ये लाइन अच्छी खासी स्मूथ आगे बढ़ रही है। तो 36 तक इनके जीवन में अच्छा खासा बोझ रहा होगा, टेंस रहा होगा, और धीरे धीरे वो टेंस रिलीज होते हुए इनकी माइंड लाइन स्मूथ हो रही है। अब चलते इनकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर देखें तो एक राहु रेखा बहुत एग्रेसिवली उम्र 36 के आसपास काट रही है। इस समय कोई ना कोई व्यक्ति के जीवन में टेंस आया होगा। दूसरा, यहाँ पर लगभग 41-42 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है। तो ये दो रेखाओं को छोड़े, और एक ये हल्की सी रेखा है, ये भी लगभग 50 के आसपास जीवन में थोड़ा सा टेंस देगी, ज़्यादा नहीं। पर उसके बाद इनकी जीवन रेखा अच्छी खासी यहाँ तक चल रही है, और यहाँ से एक छोटी सी रेखा निकलकर इस तरह से जॉइंट हो जाती है, और फिर ये जीवन रेखा बन जाती है। ये बहुत लोगों के जीवन में देखा है मैंने। ये इस तरह की जीवन रेखा देखते तो व्यक्ति के मन में एक डर होता है कि मेरी उम्र बहुत छोटी है, और उस उम्र को लेकर ये लोग चिंतित रहते हैं। पर ऐसे सैकड़ों हाथ जीवन में देखे, उस समय उनको एक ऑपरेशन तक नहीं होता, एक खरोच तक नहीं लगती, और उनके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आता है। अब यहाँ पर देखिए, ये कंप्लीट यहाँ से एक पतली रेखा निकली और यहाँ पर जॉइंट हो गई, और ये इस तरह से आगे बढ़ी। इसका मतलब है, एक तो चंद्र से कनेक्शन आ गया तो विदेश की तरफ इशारा कर रही है, सेटलमेंट की ओर। दूसरा, ये जो पार्ट है, ये लगभग 60 साल के आसपास का पार्ट होगा, 60-65 के आसपास के जीवन में कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और इनकी जीवन की गाड़ी इस तरह से आगे बढ़ेगी। और इनकी जीवन रेखा जिस तरह से बनी हुई है, छोटे छोटे ऑफशूट काफ़ी जीवन रेखा पर है, तो इनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी या कोई ना कोई प्रमोशन इस तरह से मिलते रहेगा। तो जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, कोई मुझे जीवन रेखा में प्रॉब्लम दिख नहीं रहा। हाँ, शुरुआती जीवन में अगर देखे तो एक ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, तो इनको इस पीरियड में डिग्री मिली होगी कोई ना कोई मास्टर की। और उसके बाद उम्र लगभग 30 के आसपास से एक मेजर बदलाव इनके जीवन में आया होगा, और इनकी जीवन की गाड़ी इस तरह से आगे
बढ़ते बढ़ते इस तरह से जा रही है। तो जीवन रेखा में कोई कमी नहीं है, अच्छी जीवन रेखा है। हाँ, थोड़ा सा उम्र बढ़ने के हिसाब से मोटापा इनके शरीर पर आएगा, ये इनकी जीवन रेखा को देखकर लग रहा है। ये किसी महिला को सुनना अच्छा नहीं लगता, पर जो रेखाएं बताती है वो मेरा बताना फर्ज है। अब इनकी फेट लाइन को देखते, केतु पर्वत से कंप्लीट निकल रही है और सीधी ऊपर तक जा रही है। जब भी किसी की केतु पर्वत से रेखा निकलती है तो व्यक्ति बेसिक रिक्वायरमेंट यानी पूर्व जन्म में उसने कोई ना कोई अच्छे कार्य किए रहते तब इस तरह की फेट लाइन मिलती है। यानी इनको बचपन बेसिक ज़रूरतें जो रहती है वो इजीली इनकी पूरी होती है। वेल टू डू फैमिली से ये लोग बिलोंग करते, यानी ऐसा नहीं कि बहुत सारे अमीर हो, पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट जो भी होती है बचपन में वो लगभग पूरी होती है इन लोगों की। और इनकी फेट लाइन नॉन स्टॉप है तो ऐसे लोगों को कमाई के बारे में कभी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं रहती, कंटिन्यू इनकम के स्रोत बने हुए ही रहते हैं। और इनके हाथ में तो मल्टीपल इनकम के स्रोत है, तो अच्छा खासा इनकम इनके जीवन में आने वाला है। अब देखते हैं यहाँ पर इन रेखा पर क्या क्या फ़र्क है। अब ये देखिए, एक थोड़ा सा खर्च लगा होगा इनको लगभग 26 के आसपास, एक 29 के आसपास इनको कोई ना कोई खर्च या नुकसान हुआ होगा। और यहाँ पर देखिए, ये पार्ट जो है लगभग 37 के आसपास इनको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जीवन में गया होगा, और एक लगभग 41 के आसपास इनको आर्थिक नुकसान गया होगा। और ये जो लाइन है हृदय रेखा से 99% ये हृदय रेखा से ही निकल रही है, और इस समय कोई ना कोई परिवार के लिए बड़ा खर्च करेंगे। ये उम्र होगी लगभग 51 के आसपास की, 51-52 के आसपास की। और एक रेखा इनको उम्र लगभग 61 के आसपास यहाँ पर काट रही है, तो ये इस समय भी इनको आर्थिक नुकसान जा सकता है। और एक मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके क्रिएट होंगे लगभग 48 के आसपास से, कोई ना कोई 48 या 49 के आसपास से। और यहाँ से तो इनके पास अच्छे खासे 56 के बाद, 58 के बाद तो अच्छे खासे इनकम के स्रोत इनके पास निर्माण होने वाले हैं। तो काफ़ी मल्टीपल इनकम के स्रोत इनके हाथ पर दिख रहे हैं। अब इनकी फेट लाइन को देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस उम्र में यहाँ पर थोड़ी सी हल्की है, ये लगभग उम्र होगी 36-40 से लेके 47 तक। तो जब इस तरह की हल्की लाइन होती है तो व्यक्ति को सुबह से लेके शाम तक पैसा कमाने के लिए बिजी रहना पड़ता है, एक चीज। पर उसके बाद ये 47-48 से डार्क हो रही है, और ये डार्क होते 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 अब ऊपर जाते जाते काफ़ी डार्क हो रही है और काफ़ी अच्छी फेट लाइन है। तो ये भी यानी अगर इस फेट लाइन को देखे तो 48 के बाद इनके जीवन में धन आने की जो संख्या होगी वो काफ़ी अधिक रहने वाली है। और धीरे धीरे ये इतनी शार्प होते जा रही है, तो जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धन के मामले में ये काफ़ी संपन्न बनते रहेंगे, काफ़ी संपन्न। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये बढ़िया पाम है, और दो तीन चीज़ें हाईलाइट है। एक तो ये पार्ट गुलाबी कलर, ये पार्ट बड़ा, एक अच्छा सा मनी ट्रायंगल है इनके जीवन में, और शार्प फेट लाइन है, और उसकी शार्पनेस यहाँ से ही ज़्यादा शार्प होती जा रही है। तो इस पाल यानी ये जो वर्तमान जीवन जी रहे इसके बाद इनका जीवन एक आध साल में अच्छा खासा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और चौथी चीज है, ये अच्छे खासे फॉरेन सेटलमेंट के योग इनके जीवन में बन रहे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।